ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि जैसा आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हम लोग ऋषिकेश हरिद्वार गए थे, तो वहाँ से आने के बाद एक तो थकावट इतनी हो गई कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। संडे को हमारी वहाँ से वापसी हुई थी, घर आते आते मेरे को हम 11 बज गए, 11 बजे आए, फिर खाना खाया, फिर सोए, तो 12:30 का टाइम था जब मैं सोई हूँ। और अगले दिन मुझे स्कूल जाना मेरा बहुत ज़रूरी था, मंडे था। बस हम दोनों ही गए थे, मतलब अंश गया था अपने कॉलेज और मैं गई थी अपने स्कूल। तन्मय की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन लोगों ने उस दिन रेस्ट किया था प्रॉपर। और क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई, फिर मैं स्कूल चली गई। वहाँ से आने के बाद स्कूल में भी इतनी थकावट थी, क्योंकि दो दिन जो हम लोगों ने इतना ट्रैवलिंग करी ना, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और घर आई तो तन्मय को थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड, अंश को थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड, मेरे हस्बैंड को कफ एंड कोल्ड। तो 2-3 दिन तो इन लोगों की तबीयत, दवाई, स्टीम ले लो, रेस्ट कर लो, इन सब में ही लगा रहा। तो फिर कपड़े धोना, बहुत सारा काम हो गया, मतलब और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई। फिर मेरी जो एड़ी में पेन था, वो वहाँ इतना चले घूमे फिरे, तो उसने भी बहुत अपना परचम लहरा दिया कि मैं भी होऊंगा जितना हो सकते हो। तो इस वजह से आज समझ लीजिए, आज जो मैं अब बना रही हूँ थर्सडे, आपको दिखाई दिखेगा ये फ्राइडे को। तो ये 4-5 दिन फुर्सत ही नहीं मिली, ऊपर से स्कूल में आज बहुत ज़्यादा वर्क लोड चल रहा था, तो आज मैं इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। कोर्स कंप्लीट हो गया है स्कूल में, मेरा सारा चेकिंग वर्क निपट गया है, तो इसलिए आज थोड़ी सी रिलैक्स फील कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो व्लॉग फिर बनाते हैं। तो स्कूल से आ गई हूँ और खाना भी खा लिया, चेंज नहीं किया, क्योंकि इतना बुरी तरह थक जाते हैं ना कि घर आकर मेरे से एकदम चेंज नहीं होता। या तो खाना बना लो, खिला लो, फिर उसके बाद मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि तन्मय को तुरंत ही ट्यूशन जाना होता है। हम लोग 2:45 पहुँचते हैं और 3 बजे का उसका ट्यूशन होता है, तो उसको खाना खिलाकर भेजा, मम्मी जी को दिया, खुद खाया। अब थोड़ी देर आराम से बैठी हुई हूँ, बस अब चेंज करूँगी और उसके बाद बताती हूँ आज का दिन। बस ये 4-5 दिन तो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे मेरे, ज़रूरत से ज़्यादा बिजी थी, और घर आकर ऐसा थक कर मैं सो जाती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कि अंश कॉलेज से आकर मुझे उठा रहा था, मम्मी उठो, शाम हो गई, 6:30 हो गए, आप कब से सो रही हो। तो इस वजह से इतने दिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, वो आप लोगों ने मिस किया हो। कुछ लोगों ने तो किया था, संगीता दीदी का मैसेज आया, पूनम भाभी का मैसेज आया, अंजलि भाभी का मैसेज आया, मेरी फ्रेंड निधि का मैसेज आया नहीं, उन्होंने तो मुझे खैर बस में ही पूछ लिया क्या बात है आजकल तुम्हारे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो मैंने यही बताया कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं घर जाकर व्लॉग करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं व्लॉग बनाऊँ ना, तो मैं एक फ्रेशनेस हो फेस पर, डलनेस ना हो, पॉजिटिविटी आ रही हो हमारे पास से, थकावट उबाऊ सा ना बने। इसलिए इतने दिन का मैंने रेस्ट किया था और आज फिर शुरू हो गई हूँ, देखती हूँ फिर कब रेस्ट की नीड पड़ेगी जी। तो आज इतने दिन बाद व्लॉग बनाया और आज ही मुझे कहीं जाने का मौका मिल रहा है। मेरे साथ मेरी फ्रेंड है स्कूल की, मीनाक्षी मैम, आज उनकी है 25th मैरिज एनिवर्सरी, तो वहाँ जा रही हूँ मैं, घर के पास ही एल ब्लॉक में ही है। अंश जा रहा है मुझे छोड़ने के लिए, और आज मैंने अपना ये वाला सूट पहना है, पहले सोचा साड़ी पहनूं, बट स्कूल से आकर साड़ी उतारी है, बिल्कुल मन नहीं है साड़ी पहनने का, तो अपना सिंपल सा सूट पहन कर ही जा रहे हैं। हाँ जी, तो आ गए हम यहाँ पर मीनाक्षी मैम के यहाँ, जो मैंने आपको बताया था ना, ये देख ये भागता हुआ, ये तो मेरा सब्सक्राइबर जा रहा है, मैंने पकड़ लिया, ऐसे भाग कर गई है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मीनाक्षी मैम, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे व्लॉग में आने से? सोनिया मैम, हाय भाभी, कौन कौन है, सब दिख रहे हो? नाम नहीं आ रहे, आप सब आ गए? सुनीता मैम हाय करो, ममता मैम, पूजा मैम, मानसी मैम, श्वेता मैम, हेलो भागने वाली मैम, ये हाँ बाबू, आपको भी हाय करना है, आपको भी दया दिया। तो हम सभी आए हैं, लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, दूल्हा दुल्हन गायब है, बराती घराती ये बैठे हुए हैं और दूल्हा दुल्हन दोनों गायब हो गए हैं। मीनाक्षी मैम, क्या प्रोग्राम है, कहाँ है दुल्हन हमारी? दुल्हन अभी रेडी हो रही है। अच्छा, दुल्हन रेडी हो रही है, आज पार्लर में बहुत ज्यादा भीड़ है ना, तो दुल्हन थोड़ा जरा टाइम लगा रही है तैयार होने में, उसके बाद वो आएंगी। चलिए, जैसे ही हमारी दुल्हन आएगी हम आपको दिखाते हैं।
चलो बुझाओ जल्दी, बुझाइए जल्दी। चलिए एक साथ 1 2 3 हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। मैम सर इतना अच्छा लगा ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो वो कैसे कैसे अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ देते हैं। आज की पूरी पार्टी सरप्राइज़ पार्टी थी जो उनके बच्चों ने, साक्षी और संभव ने अरेंज की थी। और मैम तो इतनी हैरान हो रही थी हम सबको देखकर, और उन बच्चों ने फिर उनको स्मार्ट टीवी गिफ्ट भी किया, तो बहुत इमोशनल हो रही थी वो, क्योंकि जब बच्चे समझते हैं ना अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल समझते हैं जब वो, कि उनके पेरेंट्स ने कैसे स्ट्रगल करके उन लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया है, और वो बच्चे आज अपने पेरेंट्स के लिए इतना अच्छा अरेंज कर रहे हैं चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो बहुत ही अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।